नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक सड़क कितनी महत्वपूर्ण होती है ये गांव वालों से पूछिए, और उस दुल्हन से जिसके यहाँ बारात आने वाली थी। एक दुल्हन के मन में यह सवाल था कि गांव की सड़क की हालत इतनी खस्ता है, जहाँ सड़क के नाम पर बस खड्ढे ही खड्ढे हैं, तो बाराती और दूल्हा कैसे सही सलामत दरवाजे तक पहुँचेंगे। अब सोचिए कि रास्तों की हालत क्या होगी जो शादी से पहले लड़की के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि लड़की की शादी सिर्फ लड़के के घर वालों की इज्जत नहीं होती बल्कि पूरे गांव की इज्जत होती है, और इस इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी भी उस लड़की ने अपने सर पर ली, और जो काम किया उसे आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। जी हाँ, बात सिर्फ बारातियों के आने की नहीं थी, बात थी गांव के विकास की और गांव के इज्जत की। और गांव के विकास की परिभाषा भी एक सड़क से ही गढ़ी जाती है, और इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी ली एक शिक्षित लड़की ने। दरअसल ये दिलचस्प मामला है अलीगढ़ के इगलास इलाके का। यहाँ हस्तपुर गांव में लड़की की शादी से पहले हैरत अंगेज मामला सामने आया है। बता दें कि अलीगढ़ जिला अधिकारी दफ्तर में करिश्मा नाम की गांव की एक युवती अपनी शादी से पहले फरियाद लेकर पहुंच गई, और उसकी फरियाद सुनकर अधिकारी भी चौंक गए। करिश्मा ने डीएम से गांव की सड़क बनवाने की मांग की। युवती ने डीएम को बताया कि उसकी जल्द से जल्द शादी होने वाली है, और गांव की सड़क काफी समय से बदहाल हालत में है, और ऐसे में गांव के अंदर बारात को आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में लिखा था कि उसकी शादी 27 फरवरी को है और गांव की सड़क खराब पड़ी है, ऐसे में बारातियों को आने में काफी दिक्कत होगी। युवती करिश्मा का कहना है कि सड़क पर बहुत गड्ढे हैं और उसमें हमेशा कीचड़ भरा रहता है, इसलिए वो डीएम कार्यालय पर सड़क बनवाने की मांग को लेकर पहुंची थी। मामले को देखते हुए चंद्रभूषण सिंह ने युवती की गुहार पर फौरन एक्शन लिया और कहा कि करिश्मा नाम की युवती अपने गांव के खराब सड़क के संबंध में अपनी फरियाद लेकर आई थी, तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को युवती की शादी से पहले ही सड़क बनाने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि करिश्मा के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और संबंधित अधिकारी को बुलाया गया। उन्हें निर्देश दिया गया है कि तत्काल गांव जाएं और सड़क बनाने का काम मनरेगा या किसी भी योजना के जरिए शुरू करा दिया जाए। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि युवती की शादी से पहले गांव की पूरी सड़क बना दी जाए। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, इसमें लड़की खुद अपने गांव के लिए सड़क की बात को लेकर आई है। ये प्रोग्राम महिलाओं की जागरूकता को दिखाता है। ये अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम का सीधा और सटीक उदाहरण है कि लड़कियां आज खुद जागरूक होकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि करिश्मा बीएड पास है, और जिस तरह की हिम्मत करिश्मा ने दिखाई वह गांव वालों के लिए करिश्माई साबित होगा। और यह भी बता दिया कि यूपी में महिलाएं अब किस तरह से बिना डर के आगे आ रही हैं और किस तरह से उनकी परेशानियों को दूर भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये खबर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।